हम ऐसा कहते ज़रूर थे कि हमारी जान निकल जाएगी, लेकिन वो निकलती नहीं थी। जब वे मुझे मारते थे तो मैं बचाव के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसे दीवार की तरह आंगन के बीचों बीच खड़ा रहता, जैसे मुझे कोई नहीं हिला सकता। मैं कोई देवता नहीं था कि किसी अस्त्र से उनकी गालियों और लाठियों को वापस लौटा सकूं। वे मेरे शरीर और आत्मा में उतर जाती थी और छिप कर बैठ जाती थी, लेकिन मैं खड़ा रहता था, आंखें पूरी खोले। मुझे एक भी दृश्य नहीं भूलना था। जब वे थकने लगते थे तब मैं कहता था कि मैं मर जाऊंगा। तब उन्हें तसल्ली हो जाती थी कि उन्होंने मुझे ठीक से मारा है। वे मुझे छोड़ देते थे और जाकर माँ के कमरे का दरवाज़ा खोल देते थे। वो रो रही होती थी जैसे रोने से अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेगी। मैं तब हंसता रहता और उससे बात भी ना करता। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने माँ को पहली बार कब देखा था। जो दृश्य मुझे याद आता है वो उसके नहाने का है। उस दृश्य में मैं अपना आसपास नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अब सोचूं तो ऐसा लगता है कि मैं एक तसले में बैठा हूँ और वो नहा रही है। इसके बाद अचानक उस बाथरूम की बत्ती बुझ जाती है, तब मैं किसी सपने से जागता हूँ। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि उस बाथरूम की सामने वाली दीवार में से दो जगह से ईंटें निकली हुई हैं। उनमें उसने अपनी बिंदी और बालियां उतार कर रख दी हैं। मैं उन्हें खा जाना चाहता हूँ। मैं ऐसी कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो मुझे गिरने से बचा लेती है। और उसके बाद, जैसा कि मैंने कहा, बत्ती गुल हो जाती है। वो एक खेल जैसा था। मैं उस कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठता था जिसके दरवाजे के ऊपर की दीवार पर शोर करने वाली घड़ी टंगी रहती थी। समय का मुझे उस समय अनुमान नहीं था, लेकिन अब लगता है कि कम से कम 1-1.5 घंटा रोज ऐसे बीतता होगा। वो मेरी मौसी थी जो उस समय के बाद उस कमरे से मेरे पिता के साथ बाहर निकलती थी, खिलखिलाती हुई, जैसे अभी भीतर उन दोनों ने दुनिया को बनाना सीख लिया है। तब मेरे पिता उसे 1 घंटे बैठने का मुझे 1 रुपया थमाते थे और सामने दीवान पर लेट जाते थे। मौसी रसोई में घुस जाती थी और कोई गाना गुनगुनाती हुई चाय बनाने लगती थी। मुझे हैरानी है कि रोज उस समय वो एक ही गाना गाती थी, कम से कम 6 महीनों तक एक ही गाना। वो गाना मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें पायल शब्द जरूर आता था। बाद में मेरी क्लास में पायल नाम की एक लड़की थी जिससे मैं बहुत नफरत करता था, और एक बार मैंने उसे परकार चुभा कर मारने की नाकाम कोशिश भी की। मौसी मेरी माँ की बहन थी, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। मुझे हमेशा वो पापा की कुछ लगती थी। वो तब आई थी जब माँ मेरे लिए भाई या बहन लाने कमरे में गई थी। वो ना भाई बहन ला पाई और खुद भी 1 साल तक उसी कमरे में पड़ी रही। मौसी को देखकर लगता था कि वो कुछ छू देगी तो वो पिघल जाएगा। वो 4 रोटियां, सब्जी, सलाद और दही का खाना खा चुकी होती थी। तब भी शुरू के दिनों में उसकी आंखें देखकर मुझे लगता था कि वो भूखी है और कभी भी रो सकती है। फिर अचानक एक दोपहर मैंने घड़ी वाले दरवाजे वाले कमरे में अपने पिता के हाथ उसके सूट के भीतर पाए। पापा ने मुझे देख लिया और वे तुरंत उठकर मेरी ओर दौड़े। मैं बचकर भागा जैसे मैंने चोरी की हो, लेकिन घर ज्यादा बड़ा नहीं था और घर से बाहर जाना जाने क्यों मुझे उसूलों के खिलाफ लगा। उन्होंने मेरी पीठ पर दनादन मुक्के मारे और फिर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। मुक्के खाने के दौरान मैं बरामदे में इधर उधर भाग रहा था और माँ
अपने बिस्तर से मुझे देख रही थी, रो रही थी। ये उसके लिए आसान था कभी रजाई से चेहरा बाहर निकालकर और कभी छिपाकर रोते रहना। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कितने समय बाथरूम में बंद रहा इसका ठीक अनुमान मुझे नहीं है। ये मुझे याद है कि जब मैं निकला तो मौसी खाना बना रही थी और उसने मुझे गोद में लेकर चूमा। अगले दिन मैंने स्कूल से लौटकर पापा को सॉरी बोला, तब उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया और कहा कि अब से रोज जब तक वे मौसी के साथ उस कमरे के अंदर रहा करें, मैं उसके दरवाजे पर बैठा रहूं और ध्यान रखूं कि कोई अंदर ना जाए। कोई उस तरफ आए तो मैं सीटी बजा दूं। मैंने कहा कि मुझे सीटी बजानी नहीं आती। उन्होंने मौसी से पूछा कि कोई और इशारा रखा जा सकता है क्या। मौसी ने कहा कि मैं दरवाजे को बजाऊं। इस तरह मैंने 150 रुपये कमाए। तब तक माँ ठीक होने लगी थी और जब वो इस काबिल हो गई कि घर का सारा काम कर सके, तब उसने मौसी को वापस भिजवा दिया, थोड़ा बेइज्जत करके। जितना मुझे समझ में आया वो ये था कि माँ ने मौसी से कहा कि उसने उनके राम जैसे पति को जाल में फंसा लिया। पापा उस दिन शायद जानबूझकर बाहर ही रहे। मौसी को बस स्टैंड तक छोड़ने वाला भी कोई नहीं था। वो मुझे बाहों में भरकर देर तक रोती रही और उसने मुझसे वादा लिया कि गर्मियों में मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर वो चल दी अकेली अपना बैग उठाकर, और मैं अचानक इतना उदास हुआ कि मैंने अपना बैट उठाकर उस कमरे की खिड़की तोड़ डाली जिसके बाहर मैं 1 रुपया लेकर बैठता था। मैं मौसी को बस अड्डे तक छोड़ने गया। बैग की एक तनी मौसी ने पकड़ी, दूसरी मैंने। उसके होठ जैसे एक कोहरे में डूबे रहते थे। उसे देखकर लगता था कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। घर लौटने पर माँ ने मुझे चप्पलों से मारा। माँ ने मौसी की लगाई सारी तस्वीरें दीवारों से उतारी और फिर घर को अपने मुताबिक सजाया। बैठक के दरवाजे पर उसने वेलकम लिखा एक पोस्टर लगाया जिसमें एक औरत दोनों हाथों से फूल बिखेर रही थी। उसने पापा का फिर से ख्याल रखना शुरू किया और मैं स्कूल से लौटता था तो दरवाजे से ही अक्सर उन दोनों की हंसी सुनाई पड़ती थी। जैसे हमारा पुनर्जन्म हो गया हो। पापा माँ के और मेरे लिए फिर से नए नए कपड़े लाने लगे। वे दोनों मुझे साथ लेकर बाजार घूमने जाते और हम सारे शहर के सामने छोटा परिवार, सुखी परिवार दिखते। मौसी कभी लौट कर नहीं आई। माँ ने मुझे सिखाया कि बड़ों का आदर करना चाहिए और पापा के सामने कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। कुछ महीने बाद वेलकम वाला पोस्टर उतार कर उन्होंने अपनी शादी की एक फोटो बैठक के दरवाजे पर लगाई। उन्हीं दिनों मैंने किताब में पढ़ा कि बच्चों की याददाश्त अस्थाई होती है, मतलब कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। एक शाम मैं खेल कर आया तो पापा नहीं थे। माँ रसोई में थी, वो खुश थी। उसने मुझसे कहा, पापा कितने अच्छे हैं ना। मैंने कहा हाँ। मैं अंदर के कमरे में गया, वहाँ एक कुर्सी संदूक के पास रखकर उससे मैं संदूक पर चढ़ गया। संदूक पर चढ़कर मैंने ऊपर रोशनदान से एक लिफाफा उतारा जिसमें एक पैकेट था और उस पैकेट पर लिखा था, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। वो चूहे मारने की दवा थी।
वो पैकेट मैंने जेब में रख लिया और उसी रास्ते से नीचे आ गया। जब मैं बाहर आया तो पापा आंगन के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठे थे। वे शायद अपने मैनेजर से डांट खा कर आए थे। मुझे देखते ही बोले, पढ़ भी लिया कर कभी, चूहे की तरह घूमता रहता है। इस तरह अपनी मौत के लिए वे खुद जिम्मेदार माने जाएंगे। वे अगर मुझे डांटने के लिए चूहे शब्द का इस्तेमाल ना करते तो शायद मैं उनके दूध में चूहे मारने की दवा ना मिलाता। लेकिन जिस तरह चिड़ियों के खेत चुग जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है, उसी तरह जहर के हलक से नीचे उतर जाने के बाद अपनी भाषा को कोमल बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगली सुबह एक आम सुबह थी जिसमें पापा का पोस्टमार्टम और मातम जुड़ गया था। डॉक्टरों ने उस जहर का तो पता लगा लिया जिससे उनकी जान गई थी, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि जहर किसने दिया, हम सबको एक बाबा के पास जाना पड़ा। बाबा किसी बच्चे के अंगूठे के नाखून में घटना का पूरा वीडियो दिखा देता था। बाबा पहले अपनी मुट्ठी में रेत लेता था, फिर उसे अपने मुंह के पास ले जाकर कोई मंत्र बुदबुदाता था और फिर इशारे से कहता था कि किसी बच्चे को उसके सामने लाकर बिठाया जाए। माँ लगातार रो रही थी। इशारा माँ को तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे गोद में उठाया और बाबा के सामने बिठा दिया। मेरे ऊपर बाबा ने रेत फेंकी, फिर मेरी आंखों पर अपना हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा, फिर मेरी हथेली को आगे किया और पूछा कि मुझे अपने अंगूठे के नाखून में क्या दिख रहा है। मैंने बताया कि मुझे अंधेरा दिख रहा है। हाँ, अब रोशनी हुई। कौन सी जगह है ये? कैमरा इस स्टील के डब्बे पर ही फोकस क्यों है? अरे हाँ, ये तो गुड़ वाला डिब्बा है और ये हमारी रसोई है। फिर कुछ रुक के मैं लगातार अपने नाखून को देखता रहा, फिर मैंने आंखें बंद कर ली। सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि जिस क्षण मैं बोलूंगा उसी क्षण कातिल के गले में फांसी का फंदा डल जाएगा। मैंने कहा कि जो मैंने देखा है वो नहीं बता सकता। फिर जब सब ने बार बार पूछा, माँ ने मेरे पैरों में गिरकर, चाचा ने गाल सहलाकर, तो मैंने बताया कि उस शाम डिब्बे से गुड़ निकालने के बाद माँ ने डिब्बे के नीचे लगे अलमारी में अखबार के नीचे से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। पुड़िया हरे रंग की थी और उस पर लिखा था कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। फिर माँ ने पुड़िया खोली और स्लैब पर रखे दूध के गिलास में खाली कर दी। फिर दूध और गुड़ की डली लिए बहुत धीरे धीरे माँ रसोई से बाहर आई, वहां जहां कुर्सी पर पापा बैठे थे। उन्होंने जूते उतार दिए थे लेकिन मोजे नहीं। इसके बाद मैं चुप हो गया। माँ ने बाबा की गर्दन पकड़ ली। बाबा के चेलों ने माँ को मारते हुए बाबा को छुड़वाया। सब लौट आए। नाखून का वीडियो तो अदालत में सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने कुछ दिन बाद पहले पुलिस के सामने और फिर अदालत में बयान दिया कि मैंने असल में अपनी माँ को पापा के दूध में उस पुड़िया से निकला पाउडर मिलाते देखा है। जज साहब ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा लड़ते भी थे क्या? मैंने कहा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन अंकल उस पुड़िया में क्या था?